कोल्ड ड्रिंक्स आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी हैं। क्यों, आइए जानते हैं। आपने एटलीस्ट एक बार तो शायद कोल्ड ड्रिंक जरूर पी होगी, इसलिए आइए इनके कंपोनेंट्स को जानते हैं। हम एग्जांपल के लिए एक कोक की बोतल को लेते हैं। इसमें होता है कैफीन, कैरेमल, फॉस्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, प्यूरिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम बेंजोएट और शुगर के साथ साथ 90% पानी। तो सबसे पहले आता है फॉस्फोरिक एसिड जो कि हमारे बोन्स को वीक कर देता है। फिर आता है कार्बोनिक एसिड जो कि कोल्ड ड्रिंक को एक प्रिजर्विंग इफेक्ट देता है, पर हमारी बॉडी में प्रेजेंट सभी गुड बैक्टीरिया को मार देता है जिससे हमारे इंटेस्टाइन पर इफेक्ट पड़ता है। फिर आता है कैफीन जो कि हाई अमाउंट्स में एंजाइटी, फास्ट हार्ट रेट, डिहाइड्रेशन और ब्लड टॉक्सिफिकेशन कॉज कर सकता है। कोल्ड ड्रिंक्स को उनका काला रंग कैरेमल की वजह से मिलता है और कैरेमल एक कार्सिनोजेन है। कार्सिनोजेन वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कैंसर कॉज करते हैं और 100 ml की कोक में 138 मिलीग्राम कैरेमल होता है जो कि परमिटेड लिमिट से 4 गुना ज्यादा है। अगला कंपोनेंट आता है शुगर। एक 100 ml की कोक की बोतल में 10 ग्राम शुगर होती है और शुगर ड्रग्स से भी ज्यादा एडिक्टिव होती है और एक्सेसिव शुगर कंज्यूम करने से हमें फैटी लिवर, हाइपरटेंशन और डायबिटीज जैसी बीमारियां हो सकती हैं। अगर आपने अपनी कोक के बॉटल के व्रैपर को ध्यान से देखा हो तो उसमें कोड होता है 110 करके जो कि सोडियम बेंजोएट के लिए यूज किया जाता है। वैसे तो सोडियम बेंजोएट एक प्रिजर्वेटिव है और इसका यूज खराब नहीं है, लेकिन जब ये लाइट और हीट से एक्सपोज हो जाता है तो ये कोल्ड ड्रिंक में प्रेजेंट एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि कोई भी विटामिन सी से रिएक्ट करके बेंजीन गैस बनाता है जो कि हमारे गाड़ियों के एग्जॉस्ट से निकलती है और बहुत ही टॉक्सिक गैस होती है। और आपने अक्सर नोटिस किया होगा कि ये कोल्ड ड्रिंक्स की कंपनी ज्यादातर यूथ को टारगेट करती है क्योंकि जिन चीजों की आदत हमें बचपन से लग जाती है फिर उनको छोड़ना बहुत ही टफ होता है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले, क्योंकि